तो मैं करता हूँ अब इस चिकन करी को एंजॉय और आप करिए हमारे वीडियो को एंजॉय। तो आज बन गया है फिर से चिकन और आज बनी है चिकन करी। सोनी क्या करती है ना, मेरी सैनी जो है ना, वो अब आप लोग कहोगे कि ये सैनी की तारीफ करता है, बट वो है तारीफ के काबिल। क्या करती है वो, जब भी चिकन मैं ज़्यादा लेके आ जाता हूँ तो वो क्या करती है, मैरिनेट तो पूरा एक साथ कर देती है, जो भी मेन कोर्स उस दिन होता है उसकी डिश जो होती है वो बना देती है, बट वो जो बचा हुआ चिकन होता है ना, वो मैरिनेटेड बचा हुआ चिकन वो एक डब्बे में रख के फ्रिज में डाल देती है, बल्कि ये कहूँ फ्रीजर में डाल देती है। तो फिर उसके बाद वो उसका कुछ ना कुछ बना देती है। तो इस बार उसने बनाया उसका चिकन करी। तो अब हम टेस्ट करेंगे इस चिकन करी को। तो इसमें सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगा ये पीस। पहले आप देख लो, इसमें कलर देख लो, इसका कलर देखो और ये देखिए कितना मॉइस्ट है, ये जूसेस जो है ना वो इंटैक्ट है बिल्कुल। इसमें अभी खाया नहीं है बट मैं देख के बता रहा हूँ। तो चलिए खाते हैं। पता है ये कैसा टेस्ट कर रहा है? आपने चिकन कबाब खाए होंगे ना, तो उनमें क्या होता है, बहुत फ्लेवरफुल होते हैं मसाले जो पीस के उसमें डाले जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या हुआ है, इसमें मैरिनेशन इतने दिनों से, मतलब ये 2 दिन से रखा हुआ है, तो वो ना बिल्कुल अंदर तक घुस गए हैं। मेरा बहुत ही फ्लेवरफुल हो गया है, बहुत ही ज्यादा। देखो मेरे पिज्जे को भी इसकी खुशबू आ गई है। क्या बना दिया तुमने जियो सोनी, वाह। अब क्योंकि ये है चिकन करी, तो आप पहले करी टेस्ट करेंगे हम। बहुत बढ़िया, जैसे मसालों का टेस्ट चिकन में घुस गया है ना, वैसे चिकन ने जो जूसेस छोड़े होंगे ना अपने इसमें पकते समय, वो बिल्कुल ये करी जो है बहुत फ्लेवरफुल हो गई है।
बहुत बढ़िया। इसमें ज़्यादा कुछ मसाले इसने डाले नहीं है, जो भी इसने मैरिनेशन के टाइम पे डाला था वही। तो अब मैं करता हूँ इसको रोटी के साथ टेस्ट। तो ये ले लिया मैंने चिकन, ये मैंने इसको करी में डुबोया, और ये लिया मैंने इसके साथ प्याज। ये बहुत स्वाद हो रहा है, बहुत स्वाद। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही सब कुछ खाना आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। और वीडियोस अगर हमारे पसंद आ रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो मैं करता हूँ अब इस चिकन करी को एंजॉय, और आप करिए हमारे वीडियो को एंजॉय। Hmm.